नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गोस्वामी और आज हम हैं मिक्स मार्शल आर्ट सीरीज के पार्ट 10 में। और मैं आज बात करने वाला हूं मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में। मैं बताने वाला हूं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या है और हम जो सिखाते हैं इंडिया में वो वाला मिक्स मार्शल आर्ट्स और जो अमेरिका में चलता है UFC में वो मार्शल आर्ट्स, उसमें क्या अंतर है। मैं बता दूं कि दो तरीके से मार्शल आर्ट इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट्स का मतलब है सारे मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके फाइट करना, क्योंकि UFC जो अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप जो फाइट अमेरिका ने रजिस्टर कर रखा है, जो कंपनी है बहुत इंटरनेशनल लेवल की, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए जाते हैं, बहुत सारा मार्शल आर्ट्स करते हैं। IMMA जो है एक इंटरनेशनल वो भी कंपनी है, वो भी मिक्स मार्शल आर्ट्स को बहुत प्रमोट करती है। दो कंपनियाँ हैं जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत एफर्ट्स लगाती हैं और बहुत पैसा खर्च करती हैं। इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अमेरिका में जो फाइट होती है वो केज के अंदर होती है, मतलब पूरा हेक्सागोनल पूरा बना रहता है, जैसे चार खान होते हैं, चार दीवारियों तो उसे चौकोन कहते हैं, ऐसे पूरे षटकोण बना होता है, छह दीवारें होती हैं पूरा और केज बना होता है, उसमें फाइट होती है। उस फाइट को UFC प्रमोट करता है पूरी दुनिया में और अलग अलग दुनिया से बेस्ट फाइटर्स को बुलाकर और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है। जीतने वाले हारने वाले दोनों को बराबर का कुछ इनाम दिया जाता है, जितना इनाम दिया जाता है जिसमें उनकी रोजी रोटी और गुजारा हो सके और एक अच्छी ज़िंदगी जी सके उस देश के अंदर। अच्छे फाइटर को दूसरे देश में नागरिकता भी मिल जाती है वहाँ उनकी देश की तरफ से लड़ने के लिए। ऐसा बहुत सारे फाइटर्स ने किया है, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है मार्शल आर्ट्स की, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अवेयरनेस और एक जानकारी आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग अगर इसके लिए जागरूक होते हैं और एक यूनिट होते हैं और जो बिगड़ी हुई इमेज अगर उसको सुधारें तो ये संभावना है कि हमारे देश को भी ऐसा मौका मिल सकता है, हमारे देश में भी ऐसी कंपनी तैयार हो सकती है जो मार्शल आर्ट्स के प्रति सम्मान रखे और मार्शल आर्ट्स के चाहने वालों को अच्छे स्तर पर रोजगार दे सके और उनकी ज़िंदगी एक स्टार सेलिब्रिटी की तरह हो, जैसे कि अमेरिका में होती है। अब इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करता हूँ। इंडिया में जो मिक्स मार्शल आर्ट्स होता है वो बेसिकली केज के अंदर बहुत कम स्तर पर किए जाते हैं, लोग प्राइवेट टूर्नामेंट ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं, पैसा ले देते हैं और बच्चों को कोई इनाम वगैरह मिलने वाला जो टूर्नामेंट होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं। मतलब लोग अधिकतर पैसा लेते हैं बच्चों से जो खेलने आते हैं, उनको पैसा देते नहीं, पैसा ले लेते हैं उनसे और उनको बस मेडल और सर्टिफिकेट दे देते हैं जो गवर्नमेंट जिसके लिए मान्य नहीं करती। अब जो सरकार है, सरकार चाहती है कि जो हमने जिनको स्पेशली गवर्नमेंट के लिए मान्यता दी कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टूर्नामेंट है, वही लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लायक हैं, उसी के पात्र हैं। बाकी जो प्राइवेट लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही ऑर्गेनाइज करते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन, भाई गवर्नमेंट या तो बंद करवा दो, प्राइवेट गवर्नमेंट से जाके बोलो कि ये प्राइवेट वाले जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको परमिशन ही क्यों दे रहे हो, जब उन बच्चों का कोई करियर कोई स्कोप नहीं है, आप उनको मान्य नहीं समझते तो वो चीज़ें बंद कर दो। पर ऐसा नहीं होता। अपने इंडिया में जो मिक्स मार्शल आर्ट है वो सारे मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके रोड पर, केज में, रिंग में, कराटे रिंग में, ताइक्वांडो रिंग में, ताइक्वांडो ड्रेस में, जूडो ड्रेस में किसी भी तरह से फाइट कराई जाती है। बहुत अच्छे स्तर पर करने वाले लोग कम हैं, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग भी हैं जो सिस्टमेटिक टूर्नामेंट कराते हैं और कुछ पैसा भी देते हैं बच्चों को, बट ऐसे लोग बहुत कम है, मेरी नज़र में आते नहीं। कुछ लोगों से सुना है, मेरे जो सर्कल के दोस्त वो लोग बोलते हैं कि मैं जीत के आया था, मैं कुछ प्राइज जीत के लाया था, मैंने अभी तक ऐसे लोगों से रूबरू नहीं हुआ। अगर ऐसे लोग हैं जो टूर्नामेंट कराते हैं और बच्चों को पैसा देते हैं फाइट के लिए अच्छे लेवल पे, लीगल तरीके से, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल तरीके से, अगर कुछ होता है टूर्नामेंट के पैसे मिलते हैं जीतने के गोल्ड मेडल पे, सिल्वर मेडल पे, तो वो लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इस तरह के टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, ये सर ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि मैं बाकी लोगों तक ये जानकारी पहुँचा सकूँ और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिक्स मार्शल आर्ट क्या है? सारे मार्शल आर्ट युद्ध कलाओं का मेल मिलाप और अपनी शारीरिक क्षमताएं, जैसे कि मेरे हाथ पतले हैं, है ना, मैं ज़्यादा जोर से पंच नहीं मार सकता, पर मेरा जंप बहुत अच्छा है, मेरे थाइज बहुत अच्छे हैं तो मैं थाई अटैक करके जीत सकता हूँ, एल्बो अटैक्स करके जीत सकता हूँ, क्योंकि हाथों में दम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अपने मोहित सर थे, है ना, उनका वेट बहुत, बॉडी बिल्डर थे, तो जो लॉकिंग की, ग्रिप करने की थायर, मतलब अगर वो ग्रिप कर रहे हैं तो सामने वाला वहीं के वहीं देर हो जाएगा बहुत जोर से पकड़ लें तो, पर मेरे बाजू में शायद उतनी ताकत ना हो, मैं मोहित सर को जैसे बहुत बॉडी बिल्डर है उनको जोर से ना पकड़ पाऊँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि मेरी मांसपेशियाँ कम है उनके मुकाबले और उनकी मांसपेशियाँ ज़्यादा है। तो सीधा सीधा साइंस है, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि सर ऐसी बात कर रहे हो, आपको ताकत नहीं है, ताकत है, मसल की कैपेसिटी बहुत है, एंड्योरेंस बहुत है, कैपेसिटी बहुत है, बट ये पूरा साइंस बेस्ड होता है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि बहुत ज़्यादा ताकत बॉडी बिल्डर से ज़्यादा एक नॉर्मल पर्सन में स्पीड ज़्यादा हो सकती है। तो मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, तो मिक्स मार्शल आर्ट्स में ये बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि
इतनी सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, पर मुझे लगता है कि बोलना भी जरूरी थी। अगर मैं नहीं बोलता फिर बोल नहीं पाऊंगा, बोलूंगा तब, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में तो मैं सीरीज रखता ही नहीं हूँ, मैं सीरीज के एंड की बात करता हूँ, तो क्यों ना अभी बोल दिया जाए। तो मैंने दिल की बात बोल दी, पता नहीं बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए था, बट स्टिल आई एम हैप्पी, मुझे मैंने बोल दिया दिल की जो बातें थी। मार्शल आर्ट्स में जो चीज़ें हो रही हैं, मार्शल आर्ट्स की इमेज को सुधारने में मेरी मदद कीजिए और स्प्रेड कीजिए। लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि मार्शल आर्ट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स, मतलब युद्ध कला का पूरा समुद्र है, अलग अलग आर्ट जितने भी आर्टिस्ट सब मार्शल आर्ट्स के अंदर आते हैं। लोगों को आज भी यही लगता है कराटे मतलब मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो को ताइक्वांडो बोलते हैं, तो मतलब कुछ तो भी है। तो लोगों को सही जानकारी पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। मैंने सारी सीरीज सिस्टमेटिक बनाई है, वर्ल्ड के टॉप 5 मार्शल आर्ट, उसके अलावा किक सीरीज अलग से बनाई है, पार्कर सीरीज अलग से बनाई है, पूरा जाइए लिस्ट में, क्रा मागा कमांडो ट्रेनिंग अलग से बनाया है, जाइए और पूरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है, और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं बनाने वाला हूँ वेपन्स की ट्रेनिंग देने वाला हूँ आप लोगों को, मैं देने वाला हूँ वेपन्स कैसे चलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, अपने अपने आसपास के जो शर्ट हैं पैंट हैं इनसे कैसे वेपन बनाए, जो स्टिक है स्वॉर्ड है भाला है दूसरी तरह तरह की चीज़ें हैं वो कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और ये सारी ट्रेनिंग मैं आपको सर्व करने वाला हूँ। और अब मैं जितने भी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, जितनी भी सीरीज़ बना चुका हूँ, इन सीरीज़ का एडवांस वर्जन बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं 15-15 पार्ट बनाऊंगा, 20-20 पार्ट बनाऊंगा, और कोशिश करूँगा अधिक से अधिक ट्रेनिंग दूँ और आप लोग इजीली आसानी से सीख सकें, सिस्टमेटिक चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगा, सर्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक्स लेकर आइए और कम से कम 1000 बार शेयर कीजिए इसे, सब लोग मिलकर, कोई एक पर्सन ही, अगर ऐसा होता है तो मैं ये चीज़ करना शुरू कर दूंगा, जिस दिन 2000 लाइक पहुँच जाएगा उस दिन से अपलोड करना शुरू कर दूंगा, उस दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो बना के तो रख लूँगा, उस दिन से अपलोड करना शुरू कर दूंगा और सारी चीज़ें मैं सर्व करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप लोगों को सच में ट्रेनिंग की ज़रूरत है और मैं सर्व करूँगा, जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहीं सर्व करूँगा, ज़रूरत नहीं होगी मैं बंद कर दूँगा। तो आप बताइए कितनी ज़रूरत है आप लोगों को ट्रेनिंग की, नीचे कमेंट्स में लिखिए और आपकी कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप सच में सीखना चाहते हैं और मैं सिखाना शुरू करूँगा। मेरी और भी बहुत सारी टीम है जो इंतज़ार कर रही है अगले परफॉर्मेंस के लिए, अगले ट्यूटोरियल्स के लिए। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सम्मान देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली सीरीज़ में।